इस गांव में पता कर लीजिए 30-35% से ज़्यादा किसानों का वो जो लालच मिलता है भैया नहीं है, हम लोगों का बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पूछिए कितने लोगों का मिला है, क्या काम ये गवर्नमेंट करती है। हम लोग महंगाई देख रहे हैं दुकान में, हमारी दुकान में हलिए कुछ सामान क्या करे कोई, इतनी महंगाई है। राशन वोशन नहीं मिल रहा आपको? बिल्कुल नहीं साहब, पता कर लीजिए, यहीं पर दान दान होंगे, पूछ लीजिए। में तो हम उनके हम कह दिया नहीं एक बार हम उनके परीक्षा कर जाते बोलिए और क्या, 70 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग की जब बारी आती है तो जिसको चाहते उसको वोट इसको उसको चुनाव चिन्ह दे सबको सबको दे देते हैं। और क्या क्या दे रहे, फ्री में दे रहे, फ्री में दे, अरे क्या दे रहे हो, हम भी तो जाने कुछ फ्री में क्या दे रहे हो। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। हम इस समय गोरखपुर ग्रामीण में हैं और जगह का नाम लहसड़ी है। एक चाय की दुकान पर रुके हुए हैं, लहसड़ी बाजार है, तो बाजार का इलाका आप देख सकते हैं। आज बसंत पंचमी है तो लोग जो है यहाँ पे पूजा उजा करके बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। अब 22 का विधानसभा चुनाव सामने है, नज़दीक है, तो इनसे बात करेंगे कि इन्हें क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी। चाचा जी, लहसड़ी बाजार है ना, गोरखपुर ग्रामीण में है, ये बार क्या लगा था, के जीती? अब के जीतिए बहन, तो समय देखा जा, वही समय आ रहा है। सभी लोग बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, अरे हम लोग दावा नहीं कर रहे। अच्छा ये बताइए, यहाँ के बीजेपी विधायक हैं वहाँ विपिन सिंह, काम मुंबई ला यहाँ पे, यहाँ पर हाँ हाँ बहुत काम किए हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बार समाजवादी पार्टी से विजय बहादुर यादव, हाँ वो कैसा ना, वो बढ़िया है, सब लोग बढ़िया, अके बेहतर बात, सब दोनों जानी बेहतर बात है। ओम कौन बेहतर बा, सब दोनों जानी बरबर बात है। तनी मनी तो 19-20 के बा, 19-20 के हूँ ना, ये बात दोनों 19। हाँ हाँ, क्यों अंकल जी, क्या लग रहा है इस बार? अरे विजय बहादुर सबसे बढ़िया बात, ऐसा है ना, जनता जो है मन बना चुकी है क्या कि जोगी को मुख्यमंत्री बनाना है। और वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि अब की 22 में बाइसाइकिल और जनता पुकार रही आना है के लिए। अरे खैर अपना अपना विचार बहस भाई, हर आदमी का अलग अलग, जनता कह रही है कि योगी सरकारी रिपोर्ट। हम लोग तो यही जानते हैं कि यह जनता जो है योगी सरकार को चाह रही है। सुविधाएं उधाएं मिली है सरकार में, जनता को सारा सुविधा मिल रहा है, अब क्या चाहिए, सड़क बनवा रहे, फ्री राशन दे रहे हैं, गुंडा माफिया से मुक्त कर दिए, अब इससे ज्यादा अब क्या चाहिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बीजेपी ने अभी अपना प्रत्याशी तो घोषित किया नहीं? हो सकता है, पता नहीं, हम लोग नहीं मालूम। गुंडा मुक्त जाए भाई, यहाँ जखन का चाहते क्रांति हो का सड़क यहाँ गुंडा ही कहाँ, यहाँ जान बहुत काफी गुंडा ही बा अभी भी। हाँ बहन भी गुंडा ही बा, यहाँ से तो गुंडा मुक्त हो गए, झूठा लोग बोला ना गुंडा मुक्त हो गए, झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहा है, गुंडा से मुक्त कहाँ भाई। देखिए अभी आप कह रहे हैं गुंडा मुक्त हो गया, पूरा अपराध मुक्त हो गया कह रहे हैं, अभी अभी नहीं गुंडा ही होता है। बहुत बहुत क्रांति हुई, जब ये सड़क पर खून नहीं बही तब तक कहे रेड रेगुलेशन यहाँ होना है, क्योंकि गृह कलश पूरा पूरा भारत में मच गया। क्यों रेड रिवॉल्यूशन करा रहे? रेड रेगुलेशन होगा, क्यों निश्चित है, क्योंकि खूनी क्रांति एक होगा तब भारत सुधरे, मतलब क्यों होगा, सोने की चिड़िया थी इसको कहा जाता था, अभी भी है। अब नहीं है, सोने की चिड़िया गृह कला के नाते सब खत्म हो गया, और सोने की चिड़िया के वाला जो तो गृह कला क्यों, एक बार सोने की चिड़िया इसको कहते थे तो यहाँ जो है कई बार मुसलमान, इसके बाद ये क्या नाम है, ये क्या नाम, फिर अंग्रेज आए, दोनों राज्य किए, इसी तरह से गृह कला हुआ है यहाँ, लेकिन अब राज होने की क्या बात है। यहाँ कैसा गृह कला चल रहा है पूछ रहे हैं, यहाँ हर जगह कला है, यहाँ किसी को चुनने की, हम लोग तो बायकाट करेंगे किसी को, हम लोग को नहीं देंगे वोट, ही नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम लोग बायकाट करेंगे, हमारे मन बाकी कोई आ ही नहीं रहा है। तो योगी सरकार काम नहीं कर, बढ़िया काम नहीं किया क्या? योगी सरकार बढ़िया काम कहाँ कही देवा, योगी सरकार भी बढ़िया, वो योगी सरकार ने जो काम किया है वह वास्तव में देखने लायक नहीं है, जान लीजिए कहीं भी यहाँ देख लीजिए, कह रहे हैं कि सड़क का उत्थान हुआ, पहले जो है रिपोर्ट ट्रांसपोर्टर कौन होते थे या बताइए, जब सड़क नहीं था तो निषाद होते थे ना, निषाद ही नावों में डुबो डुबो करके अंग्रेजों को मारा है, निषाद ने मुगलों को भगाया है, उनका क्रांति में क्यों नहीं आया, क्रांतिवीरों में क्यों नहीं नाम आया, इतिहास को छिपा लिया गया। आज जो रहे संजय निषाद आए तो हैं योगी जी के, संजय निषाद आए हैं, लेकिन संजय निषाद अपना हक मांग रहे हैं, 70 साल से हम लोग वोट दिए हैं, कोई हमको दिया है क्या वोट, हम आज वोट तो रहे हैं, आरक्षण वरक्षण मिलने वाला, मैं वोट मांग रहा हूँ तो लोग जातिवाद कहते हैं, और उनको वोट दिया 70 साल, तो हम नहीं जातिवादी थे, ऐसा क्यों क्या बात है,
हम लोगों को गुस्सा पड़ा, किस पर उतारेंगे हम लोग? हम लोग वोट अबकी बार नहीं देंगे निशान लोग किसी को। सही बात है। हाँ, आप भी नहीं वोटवा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप कहे नाराज? वैसे ही तो, अरे जैसे ही कहा नाराजगी का है, कहा नहीं वोट आने वाले बड़े से खा लेते हैं गरीबन के लाल। हाँ, गरीब को झंका चट रहे, खाने वाले खा लेते हैं। हाँ। तो मदद तो करता हूँ संजय निषाद जी, अभी योगी निषाद कौन निषाद हूँ। हाँ, ऐसी कहा योगी जी, योगी जी तो ये बताए, योगी जी तमाम काम कर ले लोगों के, राशन बटा था और तमाम राशन बटा था। प्रधान लोगों ने गलती है, प्रधान लोगों ने कमी नहीं कर सकते। हाँ, देता ही बताए हमारी के ना उम्र हो ना पेंशन ही है ना राशन कार्ड है। हाँ सर, पेंशन कुछ नहीं है। बताइए। हाँ बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम राम वृक्ष है। हाँ। न हमारे बच्चों का कार्ड है, हाँ। न हमारे बच्चों का कार्ड है, न हमारा कार्ड, 7 बीघा खेत हमारे पास है। लेकिन अभी इस गांव में पता कर लीजिए, 30-35% से ज्यादा किसानों का वो जो लालच मिलता है भैया, नहीं है हम लोगों का, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पूछिए कितने लोगों का मिला है। क्या काम ये गवर्नमेंट करती है? हम लोग महंगाई देख रहे हैं दुकान में, हमारी दुकान में हलिए कुछ सामान, क्या करे कोई, इतनी महंगाई है। राशन वोशन नहीं मिल रहा आपको? बिल्कुल नहीं साहब, पता कर लीजिए, यहीं पर दान दान होंगे, पूछ लीजिए। हम लोग नहीं मिलता, नहीं मिलता राशन। राशन याद में फ्री में दे रहे, फ्री में दे रहे, फ्री में दे रहे। अरे क्या दे रहे हो, हम भी तो जाने कुछ फ्री में क्या दे रहे हो। 8 किलो भी लगता है। आप लोग इतने सब पढ़े लिखे आदमी हैं, ये रोज बार कहते हैं सभा में कि गुंडा खत्म कर दे रहे हैं। ये आप ही अभी पेपर उठा कर देखिए, आया दिन बलात्कार है तो बहन चोरी, ये क्या गाली नहीं, गाली नहीं, नहीं आप उनको नहीं खा रहे। अरे साहब, अरे नहीं नहीं नहीं, बलात्कार है और चीज है। आखिर आप ही लोग ने छापते हैं पेपर, वाह आप लोग नहीं जानते हैं। अरे चाचा, आप लोग भी कलम कसाई है, क्योंकि हमारी बात को आप लोग निकालते नहीं है और जाते हैं कहते हैं कि यह चीज हुआ वो चीज हुआ। आप लोग जितना कितना कलम कसाई है बताइए, इतना इतना दिखाया गया तभी ना आज। यह बताइए, आज जो है फूलन देवी जैसे अबला को लोग दस सुंदरी आप लोग लिखते हैं, दस सुंदरी लिखते हैं, बैडिट क्वीन लिखते हैं, वह वीरांगना नहीं थी क्या? अपना अपना जो है अपना मान लीजिए वो अबला नारी थी, और वो अपने आबरू बचाने के लिए, अपने आबरू बचाने के लिए अभी जंगल की झाड़ियों में गई और अपना संगठन तैयार किया, आकर के 36 लोगों को काट डाली, तो वीरांगना नहीं है? आज महिला कह रहे हैं, महिला पढ़ाओ बड़ बढ़ाओ कर बात कर रहे हैं, और उसको जो वीरांगना लिखने में आप लोगों की शर्म आती है, और बैडिट क्यों और दस सुंदरी लिखते हैं उसको, यह सब बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह भी महिला है और उसको भी अधिकार है कि हम जीतें। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो बोली थी, अगर महिलाओं पर कुछ होगा तो हम मैं फिर उठा लूंगे, उसके बाद जाते हैं सामने ही मार डालते हैं उसकी। सीबीआई जांच हुई कहीं से? कहीं सीबीआई जांच नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों को बुलाना है। आप लोग चौथे स्तंभ है इसके। ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग चौथे स्तंभ है इसके। अरे हम समझ गए, एक मिनट सुन लीजिए, अब हम ही कह रहे हैं, ये बताएं, अब चुनौवा नजदीक, चुनौवा में कहा बताए, चुनौवा में तो हमन कह दिया नहीं, एक बार हमन के परिचय कर ज्यादा बोलिए और क्या। 70 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोगों की जब बारी आती है तो जिसको चाहते उसको वोट, इसको उसको चुनाव चिन्ह दे, सबको सबको दे देते हैं। और ये क्या क्या बात है, आप राज है का वोटवा नहीं देव का? देखिए, न योगी में कसर है न मोदी में कसर है, ये दोनों ठीक है। कसर जो है प्रशासन में है, अब पुलिस में एफआईआर दर्ज कर चल जा तब उनके पैसा चाहिए, अब कौनो कुछ सुनवाई नहीं होता है। प्रशासन वाले सब इनको बर्बाद कर रहे हैं। अभी तो आप अभी आप कह रहे थे हर चीज ठीक हो गया है, आप ठीक। अरे हर चीज कहाँ ठीक कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मतलब जो। हाँ चाचा, अभी कह रहे थे ठीक, अभी कह रहे थे ठीक। अरे भाई जब लाइव बनी है तो बोलबा करिए। देखिए बात यह है, और भी लोग हैं, बात कर लें। देखिए लहसड़ी का जो है बाजार है, कुछ और आपसे बात कर लेते हैं जरा। क्या नाम है किसका? आप ही का नाम पूछ के क्या करेंगे बताइए। अरे मान लीजिए कि जैसे हम इसी तरह से बताएंगे, पूछिए। चलिए ये बताइए, 22 में विधानसभा चुनाव होना है, क्या लग रहा है आपकी? 22 में विधानसभा निषादों को यहाँ टिकट देना चाहिए, निषाद को टिकट न दे करके। हाँ। निषाद पार्टी हाँ। क्यों चोरी चोरा चले गई, उनके लड़के 2 दिन यहाँ लड़े, 2-3 दिन यहाँ जाकर आ करके प्रचार किए, उसके बाद बिक गए निषाद पार्टी। निषादों में यहाँ नहीं दम है, तो मिला तो टिकट चोरी चोरा। उनके परिवार को एक ही निषाद, 15 निषादों में एक ही चाहिए, ग्रामीण से निषाद को चाहिए था।
विपिन सिंह कभी आते हैं तो ही बताइए कि में? नहीं आप लोग ये मांग कर रहे थे क्या कि श्रवण निषाद यहाँ से लड़े जी। हाँ जी, तो अब चौरी चौरा चले गए तो नाराजगी है? नाराजगी है ही है, यहाँ से उनके पिताजी चुनाव लड़े, यहाँ से सब निषादों ने साथ दिया। हाँ। यहाँ से क्या करे, इसी का यही है, 5 साल के बाद दूसरा पकड़ना, उसके बाद तीसरा पकड़ना, निषादों को क्यों ना यहाँ टिकट मिला? अरे भाई, वो कह तो रहे हैं अब हर चीज जो आपके लिए जंग लड़ रहे थे बीजेपी के साथ आ गए हैं, आरक्षण साथ रह गए बीजेपी, सुनिए बीजेपी से। हाँ। वो लड़े हैं, वो बने MLC। हाँ। तो निषाद पार्टी से बने होते, क्यों बीजेपी के संबल पर जा करके बने, क्यों निषाद बीजेपी से वहाँ लड़ रहे हैं? संजय निषाद से ही नाराजगी है क्या आप लोगों की? जी नहीं नहीं, पार्टी से नाराज है। तो आपकी मान लीजिए पार्टी से लड़े होते थाली से, क्यों भाजपा से लड़ रहे हैं? अच्छा, गठबंधन नहीं करना चाहिए था आपको? गठबंधन चाहे अपने चिन्ह से लड़े, अपना क्यों खत्म कर रहे हैं? वही बताइए कि आपकी मान लीजिए बीजेपी तो अभी प्रत्याशी यहाँ दी नहीं अपनी, और विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी बीजेपी दे दी है विपिन सिंह को? अभी कहाँ, अभी नाम घोषित नहीं हुआ है, अब हो ही गया जब श्रवण निषाद को वहाँ हटा दिए तो नहीं गए? तो आप लोग नाखुश हैं क्या विपिन सिंह? हाँ है ही है। कहाँ हैं अब हम लोग? उनको विजय बहादुर को वोट कर रहे हैं, विजय बहादुर को वोट दिए विपिन सिंह आ रहे हैं उनको नहीं मिला। अगर विपिन सिंह टिकट नहीं पाए तो उनको तो नहीं मिलना चाहिए। विपिन सिंह टिकट पाएंगे तो निश्चित हार जाएंगे, बेकार आदमी है विपिन सिंह। को आना चाहिए था निषाद पार्टी, यही अपना खत्म कर, चौरी चौरा जा गलत कर दिए, संबल सिंबल क्यों बदल दिए? थाली से लड़ते निषाद पार्टी, निषादों को उठी होता है ना? चौरी चौरा लड़े, चौरी चौरा मजबूती से लड़के मान लीजिए जीत जाए तब खुशी है कि नहीं? नहीं नहीं, तो सिंबल क्यों बदल दिए? निषाद एक ही है सिर्फ, निषादों में और निषाद नहीं है, 15 सीट में और निषादों को देना चाहिए 2-4-5 सीट। नाराजगी है, नाराजगी है ही है, विजय बहादुर को वोट दिया जाए। आपको लगता है कि अगर विपिन सिंह पाए तो विजय बहादुर जीतेंगे? विजय बहादुर का जीत है तो आप लोग उनके साथ चल जाएंगे? उनके साथ चल जाएंगे क्यों चाचा? अच्छा, तो वोटवे कह रहे हैं नहीं देंगे, बहिष्कार कर दिए हैं भाई? हम इनाय कहते देखिए इस नाते, लेकिन हम सुनिए, हम अपने चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं आपसे, वोट देना चाहिए, वोट दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, ये देंगे। अरे भाई, आपका अधिकार है ना, वोट देना चाहिए, वोट दीजिए। इस समय लहसड़ी बाजार में थे, गोरखपुर ग्रामीण का इलाका था और कुछ लोगों से बात कर रहे थे, और तमाम लोग थे नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। जो विपिन सिंह हैं यहाँ के बीजेपी के विधायक, इनका यही कहना था कि विपिन सिंह से बेहतर है विजय बहादुर यादव, और श्रवण निषाद से भी थोड़ी सी नाराजगी थी इसलिए क्योंकि गोरखपुर ग्रामीण से ये लोग चाह रहे थे कि वो जो है चुनाव लड़े, लेकिन निषाद पार्टी ने चौरी चौरा से उन्हें टिकट दिया है। बाकी ये थे चाचा, ये कह रहे थे वोट नहीं देंगे, लेकिन अब आप वोट देंगे, ठीक है? हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है? वोट देंगे, मना लिए हैं, ठीक है? और बाकी हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे विधानसभा चुनाव की, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।